मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र गलशही चौराहे पर स्थित रजाई गद्दे की दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि रजाई गद्दे की दुकान के बराबर में स्थित तीन और दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। चार दुकानों में लगी भयानक आग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे दुकान स्वामियों को काफी नुकसान हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने दमकल विभाग की तीन गाड़ियां बुलाकर आग पर काबू पाया। मुरादाबाद पागवाड़ा थाना क्षेत्र के निवासी बबलू पुत्र महमूद की रजाई गद्दे की दुकान खटघर थाना क्षेत्र गलशही चौराहे पर है। बबलू की माने तो सोमवार सुबह 11:30 बजे अचानक उसकी रजाई गद्दे की दुकान के ऊपर से जा रहे बिजली के तारों में अचानक आग लग गई। आग की लपटें रजाई गद्दे की दुकान में पहुंच गई, जिससे रजाई गद्दे की दुकान में भयंकर आग लग गई। बराबर में स्थित पेंट की दुकान, जूस की दुकान व पान के खोखे को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने भयानक आग पर काबू पा लिया। दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया था, जिससे दुकान स्वामियों को भारी नुकसान बताया जा रहा है। ये ईदगाह के सामने है आग लगी हुई, रुई की जो है गोदाम छोटा सा बना रखे हैं, इसमें रुई गद्दे वगैरह भरते थे, जिसमें आग लगी थी। हमारी 3-4 गाड़ियाँ आकर के मौके पर कंट्रोल कर लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। दुकान तो फिलहाल जो है 3 दुकानें लग रही हैं जो चपेट में हैं, बाकी इन्होंने अपने सामान खाली कर लिए सब। क्या नुकसान बताया जा रहा है? नुकसान के विषय में अभी कोई नहीं आ गया। कैसे लगी आग? इस कारण ये आग विद्युत शॉर्ट सर्किट से संभवतः लगी है, रुई जो इंजन वगैरह चला रहे होंगे। ये एक्यूरेट टाइम तो मैं देख के बता पाऊंगा, लगभग 11 बजे के आसपास। हाँ, पा लिया गया। कितनी गाड़ियाँ आई थी? हमारी 3 गाड़ियाँ प्रेजेंट में काम कर रही है। ये गलशही चौराहा है, यहाँ पर ये एक दुकान है, उसकी रजाई गद्दे की रुई की दुकान थी। इसमें किसी कारण से आग लगी है, संभावना ये भी है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, क्योंकि दुकान के बाहर की तरफ से आग लगना शुरू हुई है। लेकिन क्योंकि उसमें रुई थी तो आग काफ़ी तेज़ी से पकड़ी वहाँ। हालांकि हमारे फायर टेंडर बहुत शीघ्रता से यहाँ पर पहुँच गए थे और उसको जल्दी ही काबू कर लिया गया। लेकिन वो दुकान और उससे सटी हुई जो 2 अन्य दुकानें हैं, एक जूस की और एक खोका, उनमें भी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है और फिलहाल आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। कोई नुकसान हुआ नहीं? किसी जनहानि नहीं है, दुकान में जरूर नुकसान हुआ है, उनका जो माल था। एक रुई की दुकान थी, उसे सटी हुई एक जूस की और एक खोका है, वो भी इसमें उसका भी नुकसान हुआ। किस कारण लगी आग सर? अभी हम लोग जांच भी करवाएंगे इसकी, लेकिन सिर्फ फिलहाल शॉर्ट सर्किट से हुई है ऐसा प्रतीत हो रहा है।